हेलो दोस्तों, देखते ही देखते लॉन्च कर दिया यहाँ पे हीरो स्प्लेंडर स्मार्ट BS6 वाले इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है यहाँ पे। आज हम जानेंगे इसका कुछ मोटे मोटे स्पेसिफिकेशन, जिसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये गाड़ी जो है ये BS6 इंजन के साथ लॉन्च हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इंजन की। जैसे कि यहाँ पे इंजन जो दिया गया है वो है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 OHC इंजन इसमें दिया गया है। अगर CC की बात करें तो यहाँ पे जो इसमें इस गाड़ी में जो इंजन की डिस्प्लेसमेंट दिया गया वो है 113.2 CC की इंजन इसमें दिया गया है। अगर मैक्स पावर की बात करें तो इस गाड़ी में मैक्स पावर जो है वो है 9.1 PS और 7500 RPM इसमें दिया गया है। अगर मैक्स टॉर्क की बात करें तो मैक्स टॉर्क भी इसमें अच्छा खासा दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 9.89 Nm और 5500 RPM के साथ ये गाड़ी लॉन्च हुआ है। इसमें सिंगल ही सिलेंडर दिया गया है, कोई डुअल सिलेंडर नहीं है। यहाँ पे आपको इस चरण कोई झूठ नहीं मिलेगा, जो गाड़ी में दिया गया है बिल्कुल सच ही मिलेगा। खराब हो तो खराब बताया जाएगा, अच्छा हो तो अच्छा ही बताया जाएगा। इसमें जो कूलिंग सिस्टम दिया गया है वो है एयर कूल्ड और दो वाल्व दिया गया है। जैसे कि सिंगल सिलेंडर में किसी किसी डबल सिलेंडर में वाल्व दो चार लगाया जाता है, ऐसे इसमें सिंगल सिलेंडर के साथ दो वाल्व इसमें दिया गया है। और इसका जो ड्राइव टाइप होगा वो चेन से चलेगा। और स्टार्टिंग की अगर बात करें, जो किक सेल्फ स्टार्ट इसमें दिया गया है, जैसे कि आप इसमें किक भी कर सकते हो और सेल्फ भी इसमें दिया गया है। बहुत से नए नए गाड़ी ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर सेल्फ तो है लेकिन किक नहीं है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन दिया गया है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है और बोर 50 mm दिया गया है, स्ट्रोक 57.8 mm दिया गया है इसमें। और कंपैरिजन रेशियो की बात करें तो यहाँ पे कंपैरिजन रेशियो है 9.7:1 कंपैरिजन रेशियो है। फिर सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें सेफ्टी फीचर में दिया गया ABS इसमें नहीं है। जैसे कि आजकल बहुत सारे गाड़ी लोग ढूंढते हैं जो ABS वाला हो, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें ABS नहीं दिया गया है। जो ब्रेकिंग टाइप है वो है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग इसमें सिस्टम दिया गया है। तो स्पीड मीटर होगा वो आपको डिजिटल में मिलेंगे। इसमें जो कंसोल दिया गया वो है एनालॉग एंड डिजिटल कंसोल इसमें मिल जाएगा। पास स्विच जैसे कि सभी में है। इंजन इमोबिलाइजर इसमें नहीं है। और इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया, जैसे कि एडिशनल फीचर की अगर बात करें तो वो है सिर्फ इंजन टेम्परेचर कंट्रोल इसमें एक दिया गया है, जहाँ पर इंजन टेम्परेचर को आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा। दोस्तों अगर इसकी माइलेज परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी आपको 1 लीटर पेट्रोल में 61 किलोमीटर तक लेके जा सकता है। मैक्स स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे 92 किलोमीटर आपको प्रति घंटा की रफ्तार ये स्पीड दे सकता है। क्लास जो दिया गया वो है डायमंड क्लास। बॉडी टाइप की बात करें तो कम्यूटर बाइक्स में ये आता है ये गाड़ी। फ्रंट सस्पेंशन जो इसमें दिया गया है कन्वर्सन फ्रॉक इसमें फ्रंट सस्पेंशन दिया गया। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन शॉक्स इसमें रियर सस्पेंशन दिया गया है। साथ में आपको बॉडी ग्रिप्स भी दिया जाएगा। अब फ्यूल कैपेसिटी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फ्यूल मतलब आपका जो गाड़ी का फ्यूल टैंक होगा उसमें आप कितने लीटर तक फ्यूल भर सकते हो, इस गाड़ी में आप 9.5 लीटर यानी 9.5 लीटर तक आप इसमें फ्यूल भर सकते हो। अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सभी गाड़ियों में आजकल दिया जाता है। हेडलाइट LED, टाइल लाइट LED और यहाँ पे टर्न सिग्नल लैंप भी LED। बैटरी टाइप की अगर बात करें तो इसमें MF बैटरी दिया गया है। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 12 वोल्ट और 3 AH इसमें बैटरी दिया गया है। और टायर की बात तो आप सुनना नहीं चाहोगे। अगर आप टायर की बात सुनना चाहोगे, इसका जो फ्रंट टायर है वो 80x100-18 और रियर ब्रेक दिया गया है 18x100-18 और दोनों ही चक्का आपको टोटली ट्यूबलेस मिलेंगे। और व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट में भी 18 मतलब 18 इंचिस और पीछे में भी जो रियर ब्रेक मतलब व्हील होगा वो भी 18 इंचिस की इसमें दिया गया है। व्हील टाइप एलोय, फ्रंट ब्रेक डिस, रियर ब्रेक ड्रम। फ्रंट ब्रेक डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे 240 mm फ्रंट ब्रेक डायमीटर और रियर ब्रेक डायमीटर की बात करें तो 130 mm। बस तो गाड़ी में बस इतना ही स्पेसिफिकेशन है। मैंने यहाँ पे आपको जितना भी स्पेसिफिकेशन इस गाड़ी में था मैं सब कुछ आपको बता दिया। फिलहाल वीडियो में इतनी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल और सुझाव आ रहा है तो आप नीचे कॉमेंट करें। और हमारा अगला वीडियो होगा इस गाड़ी की EMI कैलकुलेशन लेके, कौन से राज्य में क्या प्राइस होगा, ये हमारा अगला वीडियो होगा।
अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।